यहाँ पर आउटर वाला है प्रैक्टिकली अगर सोचे तो दूरी बढ़ने के हिसाब से घटनी चाहिए भाग देने वाला बड़ा होगा तो छोटी है कम आर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा कम कम दूरी जाने पे क्या होगा ट्रेन ही कम होगा तो वही तो आप ही कह रहे हो जी सर वही तो लिखा है यस
क्या हाल है प्रश्न की? डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक, फील्ड का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, चार्ज जैसे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है, पॉजिटिव होगा तो इनवर्ड हो जाएगा। लेकिन जो भी हम लोग की स्टडी करते हो किसके लिए किया जाता है? पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, ठीक, इसीलिए करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, ठीक। हो गया। दूसरा होता है पास्ट सेंस प्राइमरी का, इसका ही करेंगे तो ये क्रिएट का अगले वाले का के लिए हम लोग बात करेंगे बेटा। तो अब इस सरफेस पे जब आ गए, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के क्या हो जाएगा? इक्वल, इक्वल हो जाएगा। अभी भी चार्ज इसके हम लोग ये दिखाते हैं ना, बाहर बाहर नहीं तो उसी सरफेस पे उसी लेयर पे ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे सरफेस पॉइंट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, उसे तो बड़ा है कि नहीं? क्वेश्चन थर्ड, ये हो जाएगा प्राइम क्वेश्चन थर्ड। सरफेस ईएस इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 q/R, और ये जो वैल्यू होती है ये चार्ज स्फीयर के जैसे यहाँ पे कंडक्टिव स्फीयर के लिए मैक्सिमम जो फील्ड होता है सरफेस पे होता है, सरफेस से दूर जाने से फील्ड की वैल्यू घटती जाती है, ठीक। आपको फील्ड के बारे में कहाँ लाया हुआ है क्या कुछ है क्या कोई पौराणिक मान्यता की याद भी आना चाहिए ऐसा नहीं बताना कोई त्यौहार आप जीत गए जब मर्जी करता है आ जाते हैं लोग जब मर्जी करता है एक खाली दो बच्चों का इन्फॉर्मेशन है जिनके यहाँ से प्रॉब्लम हो गई इसलिए नहीं आए बाकी तो है अपना का घर बनाए हुए हैं फील कर दीजिए।
नीचे लिखी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ग्राफ हम लोग बनाते हैं।
सर अंदर खोखला रहेगा उसके अंदर नेगेटिव प्रभाव जाएगा। हाँ जी सर, खोखला रहेगा तो दोनों तरफ फ्री सरफेस मिलेगा। क्या हुआ? खोखला रहेगा तो दोनों तरफ फ्री सरफेस मिलेगा, नीचे वाले के भी तो अंदर वाले हमेशा चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस अप्लाई करता है। हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस और आउटर जी सर को दे दिया भाई, ये नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है ना। हमने लाल आके चार्ज पे रख दिया, ठीक। रखने के बाद अब ये मूव नहीं कर सकता है, जो चार्ज नहीं कर दिया वो वहीं पे पड़ा चार्ज ही है ना। इसके ऊपर ये खुद रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जहाँ आप रख देंगे वहीं वो पड़ा रहेगा, चार्ज मतलब करंट नहीं फ्लो, क्योंकि अंदर तो क्या है आलो, मटेरियल है नहीं, आलो है तो चार्ज कहाँ रखेंगे हम लोग, बाहर रखेंगे, अंदर भी रखेंगे तो रिपल करके कहाँ पहुँच जाएगा, बाहर बाहर, क्योंकि अंदर वाला क्या है एयर है तो सरफेस पे ही हमेशा आई करता है, ठीक है। इसीलिए उसका बिहेवियर जैसे कंडक्टिंग वाले में होता था सरफेस पे लाई करता, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग कर सी रहते हैं, ठीक। तो ग्राफ पे बनाएंगे तो देखो सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक क्या होता है, कोई फील्ड नहीं, अंदर फील्ड हंड्रेड हंड्रेड क्या मिला जीरो जीरो, तो सरफेस से बेटा फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इसके बाद जो सरफेस यहाँ पे स्मॉल आ रहा है कैपिटल आ रहा है, इधर स्मॉल आर बेटर है कैपिटल आ रहा है, इधर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आ रहा है। जब स्मॉल आर इधर तो कैपिटल आर पे पहुँचते हैं, यहाँ फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसी को सरफेस कहते हैं। और जैसे इससे दूर करेंगे वैसे वैसे फील्ड घटता जाएगा और रिलेशन होगा ई यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, ठीक। इस पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू है, ये फील्ड हमारा की सरफेस वाला है, ये ही हमारा मैक्सिमम होता है, हमारा पार्ट कितना फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही वैल्यू आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक। उसके बाद जैसे जैसे दूरी और बढ़ाएंगे फील्ड की वैल्यू और घटती जाती है, ठीक। चलिएगा लिखिएगा नेगेटिव नॉन कनेक्टिव
यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब ये होगा उसके बाद चार्ज बेटा उसके अंदर भी लाई करेगा। यूनिफॉर्मली चार्ज बोला जा रहा है कि बराबर बराबर पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे बालू में पाया जाएगा। कहाँ? पूरे बालू में पाया जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो दिखाएंगे सभी जगहों को बराबर बराबर यूनिफॉर्म। पूरे बालों में यूनिफॉर्मली आपका कैसा है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इससे क्या होगा अगर हम पॉइंट लेते हैं, रेडियस इसका आ ही ले रहे हैं, अगर पॉइंट आउटसाइड लेते हैं पॉइंट ए, यहाँ पे लेते हैं पॉइंट बी और इंटरनल पॉइंट क्या ले रहे हैं हम सी है। ठीक, इंटरनल पॉइंट क्या ले रहे हैं सी है, ए बी और ये इंटरनल पॉइंट सी। ठीक, जैसे पीछे वाले कंडीशन में किया था हम वैसे यहाँ भी करेंगे। इमेजरी बात से 70,000 किलोमीटर टोटल चार्ज हमने क्यों दिया है। हमारे यहाँ पे पॉइंट में लिया एरिया डी ए लिया, एरिया जो होगा और जिस पॉइंट पर फील्ड ले रहे हैं फील्ड ई आउट और डी ए दोनों आपका डायरेक्शन क्या रहेगा सेम सेम। ठीक, तो पार आउटसाइड पॉइंट ये भी वैसे ही मिलेंगे जैसे कंडक्शन वगैरह भी मिला, केवल अंतर जो आएगा वो इन साइड के लिए आएगा, बाकी सभी में क्या रहेगा केसर सेम सेम चीज। मतलब जो हमारे डिफरेंसेस आएंगे वो केवल किसकी वजह से आएगा इन साइड पॉइंट में मिलेगा, बाकी सारे के लिए क्या रहेगा आपका सेम सेम रहेगा। ठीक, तो देखेंगे हम लोग आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट ए इसमें प्लस वैल्यू जो होगी यहाँ पे क्या है कंडीशन इस्तेमाल आ गए हैं चेक करा। तो गाइड कितने है फर्स्ट पासिंग प्रो Thank you.
आउट कह देते हैं, तो ई आउटर को कर लो क्योंकि आउटर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो ई ओ इनटू कल तो आएगा माना मान को पाए ना, तो फाई की क्यों निकाल रहे हैं फाई आउटर हाँ बेटा फाई ओ फाई ओ तो फाई ई इनटू कोई भी निकल लेकिन पेड़ जो है जो निकलता है वहाँ से फाई तो मुझे वेट कर दिया आपकी बात क्या है
इस साइड में भी कैसा है चार्ज में, जब इस साइड में चार्ज होगा तो इसकी वजह से भी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे फील्ड मिलेगा, उसके बाद जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से दिखाएंगे हम लोग चार्ज होगा पाई पाई साइड पाई सी स्मॉल आर ग्रेटर साइड पाई सी, यहाँ का आउटसाइड पॉइंट अंदर पॉइंट बी था, यहाँ पे साइड पाई सी हो गया। अब की बार इसको सब कैप्टर आर कैप्टर आर इन साइड पॉइंट के लिए ठीक है स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैप्टर आर से कैसा है लेस है, कैप्टर आर से क्या है लेस लेस है। तो यहाँ पे जो आप दिखाओगे तो कंडीशन क्या होगी, इसे गॉसियस सरफेस समझा करते हैं, इमेजिनरी गॉसियस सरफेस। अब हमें जो इन साइड पॉइंट है उससे पास होने वाले चार्ज की वैल्यू को भी क्या करनी होगी डिटरमाइन करना, अंदर कितना चार्ज है उससे वो वैल्यू हमें क्या करना होगा डिटरमाइन करना होगा। तो पास में इन साइड पॉइंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं इन साइड पॉइंट के लिए इससे कितना आपका चार्ज यहाँ से पास आउट होगा वो वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना होगा। अब देखो पहले निकालेंगे चार्ज इनक्लोज या चार्ज पढ़ने सिग्मा की वैल्यू हो गया क्यू अपान, ये रेडियस इसका कैपिटल आर था तो क्यू अपान हो जाएगा क्या ये बालून चार्ज डेंसिटी होगा जिसके पूरे बालून में है, जब कंडक्टिंग था या हॉलो स्फीयर था तो उस केस में सरफेस पे चार्ज पाया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पूरे बालून ये स्फीयर है इसके पूरे बालून में चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो उसे बालून चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा क्यू अपान बालून स्फीयर का बालून का फार्मूला कितने रकम मालूम है बालून स्फीयर के बालून का फार्मूला कितने रकम मालूम है क्षेत्रफल या आयतन गोले का आयतन जी अभी आ रहा है हनुमान जी की तरह ठीक क्या पूरे स्पेयर में लाई कर रहा है तो ये तो हो गया चार्ज डेंसिटी सेंस चार्ज परसेंट इन साइड गॉसियन सरफेस पासिंग फ्लो पॉइंट बी पासिंग फ्लो पॉइंट है इससे पास होने वाला जो गॉसियन सरफेस है बेटा उसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे मान लो चार्ज की वैल्यू क्यू डैश है क्यू डैश इकट्ठा होगा बेटा सिग्मा इनटू बी डैश मतलब इसमें चार्ज डेंसिटी इनटू इसके अंदर वॉल्यूम आपका हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा वॉल्यूम की वैल्यू आएगी बेटा फोर बाई थ्री पाई कितना इसका रेडियस स्मॉल आर दिया गया है इसका रेडियस क्या दिया हम लोग स्मॉल आर दिया है तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे दे रहे हैं तो जो डैश की वैल्यू है सिग्मा की वैल्यू से हम लोग ये है बेटा क्यू अपान फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यू और ये हो गया फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यू देखो फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई ऊपर नीचे दोनों बेटा कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना क्यू डैश क्यू आर अपान कैपिटल आर का होल क्यू कितने कोई दिक्कत नहीं आर अपान आर क्यूब हो आर में क्या हो गया आपका आर आर के बराबर हो गया जल्दी करो ये नोट हो गया यार। यस सर।
पूरा कर लिया तो छापे यार छापी क्या लोग बात होते आए अभी तक हाँ समझा नहीं दे देखो ये हो गया क्या यस समझा कर लो बेटा छापने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट छापना नहीं समझना इम्पोर्टेंट है तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल दिया अब यहाँ तक अगर फाइंड करना हो क्या चीज फ्लक्स ठीक टोटल फ्लक्स यानी कहते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज ई इन क्या कह रहे हैं हम लोग ई इन देन टोटल फ्लक्स पासिंग इंटरनल गार्सियन सरफेस गार्सियन सरफेस अंदर वाले गार्सियन सरफेस जी से पास हो उसके कितना हो जाएगा यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा मेरा टोटल फाई की वैल्यू आएगा ए इन इंटू फोर पाई इंटू आर स्क्वायर ये हो गया ए इन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है उसको कोई क्वेश्चन आपके बनाया पहले अकॉर्डिंग टू गार्थियन के अकॉर्डिंग हम आई की वैल्यू है क्यू इन अपॉन बेटा एप्सिलॉन नॉट अब क्यू इन की वैल्यू कितना है क्यू डैश है क्यू डैश की वैल्यू क्यू इन टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये बना लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड अब इस और इस क्वेश्चन को लेकर कंपेयर कंपेयर क्वेश्चन सेकंड बाई क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड देखो ये हो जाएगा ई इन इंटू फोर पाई हमारा स्क्वायर इक्वल टू क्यों इंक्रीज हमारा अपान कैपिटल आर का होल क्यू इसको हम ऐसे नहीं सकते बेटा कैपिटल हमारा आर क्यू अपान कैपिटल आर क्यू ठीक अपान एक्सर इसको बेटा इधर शिफ्ट कर रहे देखो ई इन की वैल्यू आ जाएगी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक साइड हमने ले लिया यहाँ पर है क्यू इन टू आर क्यू अपान कैपिटल आर क्यू पाई आर स्क्वायर ये यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है दो पावर घट जाएगा टेंजेंट किस ड्रा होगा इसमें सर कैसे
चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होकर कैसे उन्हें फ्लक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे जितना इसके चार्ज अंदर के पाया जा रहा है ना, जितना चार्ज यहाँ पाया जाए वही फ्लक्स क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पूरे रख देते हैं वैसे इतने पार्ट में जितना चार्ज है वही होकर फ्लक्स का क्या करेगा, यहाँ पे जनरेशन करेगा। ठीक, अगर चार्ज ने पहले निकाल दिया है तो क्यों क्यों ये कहेगा कि उसको रख दीजिए अपन के अस्पताल में। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हरा हो, जब सॉलिड हो तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज होता रहेगा। नहीं, सरफेस एरिया हाँ सर, इंक्रीज तो एरिया होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से हमारा मतलब नहीं, यहाँ चार्ज की वैल्यू जो होगी, जैसे इतना एरिया लोगे तो कम चार्ज होगा, इतना लेंगे ज़्यादा होगा, इतना लेंगे तो ज़्यादा, और चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो हमारा पाई कर तो क्या क्यों अपन एप्सिलॉन नाप लेते हैं, तो वहाँ पे वो एरिया पे डिपेंड गॉस सीडम के अकॉर्डिंग नहीं करता है। ठीक है, वो चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जी सर, एरिया नहीं बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। सर क्या कहता, चलिए सर कर लीजिए। चलिए किसी और जाओ, कोई और पूछ ले, नहीं बस कर।